नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं झटपट और आसान तरीके से बिना किसी मशीन और सांचे के सिर्फ 5 मिनट में एकदम क्रिस्पी और स्वादिष्ट नमकीन, वो भी एकदम मार्केट जैसी, आप घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो तो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बस वीडियो को पूरा देखे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 1 कप बेसन, इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा चावल का आटा, लिया मैंने 3 से 4 चम्मच, तो यहाँ पर इससे क्रिस्पी बन आता है चावल के आटे से। उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा इसके अंदर। अब इसको छान लेते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाल देंगे तो क्रिस्पीपन अच्छा आता है इससे। थोड़ा सा अजवाइन को भी क्रश करके डाल देंगे तो इसमें अजवाइन का फ्लेवर भी एकदम अच्छा सा आता है, जब भी आप इस तरीके से डालेंगे। थोड़ा सा पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद पानी डालेंगे, तो यहाँ पर 1 कप पानी लिया मैंने, इसके बाद डालकर मिक्स कर लेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, और एक बैटर सा तैयार करेंगे। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैटर में कोई भी ऐसे गांठ और लम्स ना रहे, बैटर एकदम अच्छा से बना लिया आप इस तरीके से। और आप देख सकते हैं थोड़ा बैटर इस टाइप का ही रखना, ज्यादा पतला और ज्यादा थिक भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और दिखा दूंगी इसके बाद। पहले थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से होगा क्या, थोड़ा क्रिस्पी होने के साथ साथ नमकीन आपकी एकदम खस्ता भी बनेगी, खाने में एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए बैटर को थोड़ा सा आप फिर से देख ले, इस तरीके का ही बैटर आपको तैयार करना है। ऐसे जैसे हम डाल रहे हैं तो इसके अंदर मिक्स हो जा रहा है, एकदम पानी जैसा नहीं और एकदम थिक भी नहीं। देखिए तो एकदम परफेक्ट बैटर देखिए हमारा तैयार है। अब इसके बाद देखिए तेल हमारा गर्म हो गया अच्छे से। इसके ऊपर ऐसे छन्नी रखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी छन्नी ले सकते हैं जो भी आपके पास है, छोटी या बड़ी या पतली या मोटी जो भी है। तो इस तरीके से बैटर डालकर थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे फैला देंगे तो ये अच्छे से फटाफट ऐसे बन जाते हैं और अच्छे से नमकीन बनकर तैयार हो जाती है, और इसमें समय भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर तेल आपका गर्म ही होना चाहिए जब आप डाल रहे हैं, तो उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं और एकदम क्रिस्पी और खस्ता होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे बीच में हिलाते रहेंगे अच्छे से कलर आना शुरू हो जाता है देखिए इसका। और अच्छा सा क्रिस्पी करना है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पकाना है, एकदम सॉफ्ट नहीं रखना। तो जैसे जैसे इसको पकाएंगे गैस की फ्लेम को थोड़ा कम करके ऐसे, तो ये एकदम क्रिस्पी और अच्छी हो जाती है। उसके बाद इसको निकाल ले, जब अच्छे से पक जाती है तो इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए एकदम अच्छे से पक चुकी है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं, तो बाद में आपको पता चलेगा कितनी अच्छी बनती है। और इस तरीके से बनाएंगे तो ये लंबे समय तक एकदम क्रिस्पी रहती है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, जब आप बैटर डाल रहे हैं तो तेल आपका गर्म होना चाहिए, तो फटाफट ये ऐसे सेट हो जाती है और अच्छे ऐसे पकती है एकदम क्रिस्पी। तो यहाँ पर पकाने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक। इस तरीके से पका ले आप बीच बीच में हिलाकर इसको, तो यहाँ पर अच्छा से ब्राउन कलर भी आ जाता है, आपको पता भी चल जाएगा। अब इसके बाद गरम तेल के अंदर ऐसे मूंगफली को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, तो इसमें एकदम अच्छा सा क्रिस्पीपन आ जाता है ऐसे तेल में, गरम में ऐसे पकाएंगे तो। और अच्छा सा देखिए कलर भी आ जाएगा जैसे ये पक जाएगी, अच्छा क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एकदम मार्केट जैसी नमकीन बना रहे हैं, तो आप थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे तो अच्छा लगेगा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इसको हमने पका लिया तो निकाल, और मूंगफली देखिए अच्छे से बुन चुकी है, इनको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद दूसरी तरफ मैंने थोड़े करी पत्ते और ऐसे 2-3 हरी मिर्च को लिया है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे या फिर थोड़ा सा बंद भी कर सकते हैं, बस थोड़े गर्म तेल के अंदर इसको पकाना है ऐसे ही। तो यहाँ पर एकदम ज़्यादा तेज गर्म तेल में नहीं डालेंगे वरना चटकने लगेंगे ज़्यादा, और इसके अंदर डालना भी नहीं, बस ऐसे इसके अंदर थोड़ा सा तेल जाएगा, ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और ऐसे पक जाएंगे। देखिए अच्छा सा ग्रीन कलर भी आ जाता है, करी पत्ते का ऐसा फ्लेवर नमकीन में एकदम अच्छा भी लगता है। अब इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा जीरा पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च है इसलिए हल्का लाल कलर ज्यादा दिखता है इसमें, तीखा नहीं रहता। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया काला, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक अच्छा सा मसाला देखिए तैयार हो जाता है, इससे एकदम अच्छा सा फ्लेवर आता है जब आप कोई भी ऐसी चीज में डालेंगे ऐसे नमकीन वगैरह में। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखिए बना लिया। अब इसके बाद और यहाँ पर देखिए जो हमने नमकीन बनाकर तैयार की थी उसको निकाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन के अंदर। इसके बाद मूंगफली डाल देंगे जो हमने रोस्ट की थी, और करी पत्ते ऐसे हरी मिर्च जो हमने पकाए थे ऐसे, और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है आप ऐसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, एकदम अच्छा सा फ्लेवर आएगा। नमक तो हमने पहले भी डाल दिया था, आप हल्का सा नमक डालकर भी खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो। लेकिन इस तरीके से हम इसे और स्पाइसी और अच्छी नमकीन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने मसाला तैयार किया था उसको डाल देंगे इसके अंदर ऐसे, इससे एकदम मार्केट जैसी नमकीन बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बाद में आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी और कितनी क्रिस्पी और अच्छी बनती है। तो 1 से 2 दिन बाद भी एकदम अच्छी क्रिस्पी भी रहती है, तो ऐसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और एकदम अच्छे देखिए नमकीन हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो वैसे तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी और अच्छी नमकीन बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ट्राई जरूर करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बनाने में बिल्कुल आसान झटपट बन जाती है, समय भी नहीं लगता, और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बड़े पीसेज ही दिखा देती हूँ पहले तोड़कर कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। तो यहाँ पर बारीक है वो तो क्रिस्पी है, जो बड़े हैं वो भी एकदम क्रिस्पी है। तो आपको जो बड़े बड़े पीसेज है वही पहले दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं।
तो है ना एकदम आसान सा तरीका, और पसंद तो जरूर आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इस तरीके से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती, आराम से 2-3 महीने आप इसे खा सकते हैं, एकदम क्रिस्पी और अच्छी रहती है। तो यहाँ पर बस स्टोर करते वक्त थोड़ा सा एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी कांच के बर्तन के अंदर ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ये देखिए, देखने में आपको दिख रही होगी कितनी अच्छी नमकीन बनी है। तो और आप इसे ट्राई करना और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कि आपको ये नमकीन की रेसिपी कैसी लगी। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।